स्टूडेंट वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंतर्गत धारा 30 व आदेश 11 जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, मूल बात जो है सेक्शन 30 में बताई गई है उसकी प्रक्रिया आदेश 11 में बताई गई है। देखो, दीवानी मामलों में न्यायालय स्व प्रेरणा से सोमोटो या पक्षकारों के आवेदन पर एक पक्षकार यानी कि वादी को के द्वारा अगर आवेदन पत्र दिया गया प्रतिवादी से किसी तथ्य का जो मामला यानी कि विवाद कोर्ट में पेंडिंग है उससे संबंधित किसी तथ्य को प्रकट करने का या प्रतिवादी के आवेदन पर वादी से किसी तथ्य का प्रकट करने के लिए ये यहां आदेश दिया जा सकता है। या कोई दस्तावेज या भौतिक चीज का निरीक्षण करने के लिए आदेश दिया जा सकता है। और ऐसा पक्षकार, क्योंकि यह विवेकाधिकार न्यायालय का है कि वह ऐसे तथ्यों को प्रकटीकरण करने की आज्ञा दूसरे पक्षकार से दे या न दे, या दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति न्यायालय दे या न दे, ये न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। दीवानी मामलों में सबसे बड़ी चीज है। और जब वादी वाद प्रस्तुत कर देता है और प्रतिवादी ने अपना WS रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में फाइल कर दिया, उसके पश्चात ही ये प्रक्रिया चालू होती है। किसी कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रतिवादी ने उपस्थित तो होगा न्यायालय में लेकिन अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल जानबूझकर नहीं किया और उसका समय निकल गया, तब भी जो है यहां तथ्यों का प्रकटीकरण या दस्तावेज के निरीक्षण के लिए आदेश न्यायालय एक पक्षकार के आवेदन पर दूसरे पक्षकार को दे सकता है और दूसरा पक्षकार जो है विद एफिडेविट वह ये प्रकट करेगा, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन यहां पर अगर वादी या प्रतिवादी, वादी अपना दावा प्रस्तुत करता है, केवल उसके पास जो है हक विलेख है, टाइटल डीड्स है, या प्रतिवादी डिफेंस करता है उसके पास टाइटल डीड्स है, उसको प्रस्तुत करने यानी कि उसका निरीक्षण करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती। और है एक कि क्या गवाही देना चाहते हैं आप, ये भी अनुमति दी जा सकती, और गवाहों के नाम डिस्क्लोज करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल यहां पर जो है प्रकटीकरण का उद्देश्य है कि वादी जो वाद प्रतिवादी के विरुद्ध ला है आखिरकार उसके पास क्या तथ्य हैं, क्या साक्ष्य हैं जिसके आधार पर जो है वो वादी के विरुद्ध अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, या प्रतिवादी जो डिफेंस करता है उसके पास ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या साक्ष्य हैं जिसके आधार पर जो है वह अपनी डिफेंस करना चाहता है। तो यहां पर वादी और प्रतिवादी दोनों में से कोई भी पक्षकार एक दूसरे से प्रिपरेशन कर सकता है और परिप्रश्न एक सीरीज के होने चाहिए, यानी कि कुछ भी पूछ लो आप जो विवादित तथ्यों को सुलझाते हैं यानी विवादित तथ्यों को डिसाइड करने में सहायक होंगे, केवल वे ही क्या नाम यहां परिप्रश्न किए जा सकते हैं। अब देखिए, तथ्यों के प्रकटीकरण के लिए अगर यहां वादी या प्रतिवादी दोनों से कोई भी न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा, न्यायालय आदेश 11 रूल 1 के अंतर्गत इस बात को देखेगा कि यहां 7 डेज के अंतर्गत कि क्या जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें जो है प्रिपर्सनों को दूसरे पक्षकार से पूछना चाहिए, वादी या प्रतिवादी जैसी भी स्थिति हो तो वहां डिसाइड करेगा। हालांकि इसको ऑब्जेक्शन भी दिए जाते हैं वगैरह भी होते हैं कि, लेकिन डिसाइड ये 7 दिन के भीतर करता है। अगर ये प्रिपर्सन जो है न्यायालय ने यहां प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर लिया और दूसरे पक्षकार को ऑर्डर दिया कि आप जो है परिप्रश्नों का प्रकटीकरण करो, तो वहां दूसरा पक्षकार जिससे प्रश्न अगर ऐसे प्रश्न
कलंकात्मक है, तंग या परेशान करने वाले हैं। तो यहां दूसरा पक्षकार जिससे परिप्रसंग पूछे गए हैं वह जो है 7 दिन के भीतर भीतर परिप्रसंग मिलने के 7 डेज अंडर 7 डेज अंडर 7 डेज इस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। ठीक है, अगर यहां आदेश दिया गया और ऐसे कोई प्रसंग ये कलंकात्मक है, तंग या परिप्रसंग तंग करने वाले नहीं है, परेशान करने वाले नहीं है, तो न्यायालय ने जो आदेश दिया है इसके अंडर अंडर 10 डेज विद एफिडेविट प्रश्नों का जो क्वेश्चनिंग की गई है उनका आंसर देगा, ये बात यहां कही गई है। ठीक है जी, दस्तावेजों के लिए यहां आदेश 11 रूल 11 के अंतर्गत एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष दी जाएगी। कोर्ट डिसाइड करेगा क्या ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अगर आदेश दे दे न्यायालय ने तो ऑर्डर 11 रूल 17 के अंतर्गत जो है यहां 10 दिन में डिसाइड करेगा और अपोजिट पार्टी को 3 दिन का अवसर होगा कि वह जो है न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया है कि कहां दस्तावेजों का निरीक्षण करा सकते हैं उस जगह पर जो है 3 दिन के अंदर अंदर वह निरीक्षण कर सकता है। तो सिविल में जो है ये बहुत ही अच्छा का नाम वो है कि यहां तथ्यों का प्रकटीकरण हो सकता है जिससे कि वादी का वाद अगर वो वादी से पूछेगा और वादी उनका उत्तर नहीं दे पाया तो वादी का वाद खारिज भी कर दिया जाएगा। अगर प्रतिवादी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया या उपेक्षा करता है तो प्रतिवादी की जो प्रतिरक्षा है वह काट दी जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक सीरीज की होनी चाहिए। मान लो किसी मामले में वक्त संपत्ति से संबंधित विवाद है, वक्त का कोई विवाद है और वक्त के विवाद में प्रश्न ये है कि क्या वक्त की ओर से यह मुतवल्ली नियुक्त है या नहीं है, क्या इसको दावा करने का अधिकार है या नहीं है। अगर मुतवल्ली है तो दावा करने का अधिकार होगा, मुतवल्ली नहीं है तो दावा करने का अधिकार नहीं होगा। तो यहां पर अगर प्रश्न पूछा जाता है पहला कि क्या आप वक्फ बोर्ड से मुतवल्ली नियुक्त किए गए या नहीं किए गए, नंबर एक। नंबर दो, जो आवेदन पत्र आपने वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली बनने का दिया था क्या वह खारिज हो चुका है या स्वीकार हुआ। तीसरा, आपका जो आवेदन पत्र वक्फ बोर्ड में दिया था मुतवल्ली का वो खारिज हो गया, क्या उसके विरुद्ध ये आपने आप द्वारा कोई रिट याचिका उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है। तो ये उत्तर, मान लो अगर वो मुतवल्ली नहीं है तो वादी खारिज हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। तो ये परिप्रसंग जो है दूसरे पक्षकार से पूछे जा सकते हैं, यानी प्रतिवादी वादी से या वादी प्रतिवादी से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। और यहां पर इनका प्रभाव ये होता है कि अगर उसने दिया आंसर दिया और आंसर जो है मैं इस प्रकार की बातें दी कि नहीं मैं तो मुतवल्ली हुई नहीं, मेरी पेंडिंग है, तो उसने वाद करने का अधिकार है, वाद खारिज हो जाएगा। प्रतिवादी से पूछेगा तो वहां जो अपनी प्रतिरक्षा कर रहा है तो उसकी जो है खारिज कर दी जाएगी। तो इसका उद्देश्य बहुत ही बड़ा है और इस प्रकार की बातें पूछी जाती हैं इसमें। ठीक है जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है और मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस में और हायर जुडिशियल सर्विस दोनों में ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। उसके बाद है धारा 31, सेक्शन 31 के अंतर्गत ये बता साक्षियों को समन, जो साक्षियों को समन भेजे जाते हैं वो सेक्शन 27, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग भेजे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साक्षियों को भी, साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। यहां पर सेक्शन 31 में सेक्शन 27, 28, 29 के तरह ही भेजे जाएंगे। अगर किसी साक्षी से साक्ष्य प्राप्त करना या कोई दस्तावेज साक्ष्य प्राप्त करनी है तो इन्हीं नियम धारा 31 के अंदर दिए जाएंगे।
धारा 32 में व्यतिक्रम के लिए शासिति पेनल्टी। यहां धारा 30 के अंतर्गत, सेक्शन 30 के अंतर्गत ही अगर न्यायालय ने किसी साक्षी को समन किया कि वह उस दस्तावेज को प्रस्तुत करे और वह उस दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करता तो न्यायालय क्या प्रक्रिया अपना सकता है, वह बात भी है, यानी कि अगर डिफॉल्ट है तो उस पर पेनल्टी लगा सकता है। क्या क्या पेनल्टी लगा होगा? उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकता है। नंबर दो, उसकी संपत्ति को कुरूप कर सकेगा या उसका विक्रय कर सकेगा। उसके ऊपर 5,000 रुपए से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा या उससे जो है उपसंजिति के लिए, उपस्थिति के लिए प्रतिभूति की मांग कर सकता है और व्यतिक्रम डिफॉल्ट करने पर उसको जो है सिविल कारागार में निरुद्ध कर सकता है। तो ये शक्ति जो है यहां पर दी गई है, प्री एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, आज के लिए ही इतना ही, धन्यवाद।